जो होने जा रहा है दैट्स ऑल्सो न्यू टू मी एंड वेरी स्पेशल. तो चलिए आज करते हैं पैकिंग आप लोगों के साथ. सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन बच्चों के खाने का मैं चांस नहीं लेना चाहती हूँ. ये क्या था लियाना, बताया? कोई तो आओ इसको हेल्प करके इसको डालो. अभी जो खाना खाएंगे बच्चों के लिए मैं यूज करती हूँ. घूमने जा रहे उसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ को हम ऐसे खिड़की से गोली मार के निकाल दे. हैप्पी वैलेंटाइंस डे. हाय गाइस एंड वेलकम टू द वीना डिकोड्स. यू नो आप लोग के साथ मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की है एज इट इज. तो अभी जो होने जा रहा है दैट्स ऑल्सो न्यू टू मी एंड वेरी स्पेशल. ऐसा है कि यू नो इट्स आप लोगों को पता ही होगा दैट इट्स माय एनिवर्सरी ऑन 14th फेब वैलेंटाइंस डे है. बट दैट्स फाइन, बट 15th इज आवर एनिवर्सरी. बट एज यू नो टाइम हैज इट दैट गुरमीत इस बार शूट पे बिजी है तो वो होगा नहीं मेरे साथ. तो मैंने एक मजेदार चीज प्लान किया है. मैंने ये प्लान किया है कि मेरी एनिवर्सरी में मैं घर पे बैठ के यू नो आई विल नॉट जस्ट थिंक या मेरा एनिवर्सरी है लोग जस्ट मुझे मैसेज करेंगे या ऐसा कुछ इस तरीके से मैं नहीं स्पेंड करूंगी. आई विल मेक इट स्पेशल बिकॉज माई लाइफ कॉल्स इट टू मेक इट स्पेशल, स्पेशली दिस ईयर. लास्ट ईयर इस टाइम पे थोड़ा मतलब एकदम होता है ना यू लिटिल स्ट्रेस्ड आउट यू नो. वो वाली फ्रीडम भी नहीं थी बिकॉज आई वॉज स्पीडिंग एट दैट टाइम. तो मतलब चाहकर भी वो वाली एक जब होता है ना कि वाओ वाली फीलिंग नहीं थी. थोड़ा थोड़ा टेंशन था, जो भी था किस लिए था नहीं था आप पुराने ब्लॉग्स देख लीजिए यू विल गेट टू नो. ऑल्दो आई नेवर मेक इट ऑब्वियस कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, बट अभी सोचूं तो ऐसा लगता है जैसे यू नो लास्ट ईयर आई वॉज लिटिल यू नो स्ट्रेस्ड आउट. कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था. बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. आई समहाउ फील कि बहुत बुरा कुछ हो सकता था उससे मतलब कम में से सारी चीजें निकल गई. एनीवेज पुरानी बातें गई पुरानी, अभी नया बात करते हैं. वो है कि मेरा एनिवर्सरी है और मैंने सोचा है एनिवर्सरी में मैं सेलिब्रेट करूंगी. कैसे? विथ माय फैमिली. तो क्योंकि मेरे सास ससुर भी है, मम्मी पापा भी है, मेरे बच्चे हैं. सो यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन सेलिब्रेट विथ मी. सो हम लोग कहीं जा रहे हैं और उसका तो डेफिनेटली मैं ब्लॉगिंग करूंगी, आप लोग देख ही सकते हैं. तो वो तो मैं दिखाऊंगी, बट मैंने थोड़ा सा बता दिया. प्लीज लेट मी नो हाउ डू यू थिंक माई प्लान इज. लेकिन अभी जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो है लिटिल बिट ऑफ पैकिंग. मैं लास्ट टाइम भी ट्रैवल करी थी और यू नो आई समहाउ फेल्ट दैट नाउ मैं थोड़ी बहुत यू नो एक्सपर्ट. यू आर नेवर एन एक्सपर्ट बट काइंड ऑफ आई कैन से कि बच्चों के साथ ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली दो दो बच्चों के साथ ट्रैवल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. यू नो कभी दोनों बच्चों के रिक्वायरमेंट्स अलग है, दोनों बच्चों के टेम्परमेंट्स अलग है. तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं क्या प्लानिंग करती हूँ, क्या लेके जाती हूँ. तो चलिए आज करते हैं पैकिंग आप लोगों के साथ. सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो बच्चे का खाना है उसका ध्यान रखें व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. अगर आप किसी होटल में ट्रैवल कर रहे हैं और होटल वालों से पहले से बात कर लीजिए कि वो लोग बच्चों के लिए खाना प्रॉपरली बना के देंगे कि नहीं. क्योंकि हम बनारस गए थे वहाँ पे भी बच्चों के लिए प्रॉपर खाना बना के दे रहे थे होटल में. यू नो जस्ट बेबी फ्रेंडली खिचड़ी बोला था, एकदम बस दाल और चावल को हल्का नमक घी डाल के उबाल के दिया था, एकदम सॉफ्ट. इस बार भी हम लोग होटल में थे तो वहाँ पे भी कोई स्ट्रेस नहीं था. बट इस बार हम लोग सैफरन स्टे में रहेंगे तो इसीलिए यू नो बड़ों का खाना दे आई मीन देयर इज कम्प्लीट अरेंजमेंट. लेकिन बच्चों के खाने का मैं चांस नहीं लेना चाहती हूँ. उसके लिए जो मैं एक चीज रेडी करके रखी हूँ ये कर लो पहले मेरे लिए वो है इलेक्ट्रिक कुकर. तो ये है इलेक्ट्रिक कुकर. इसमें घर पे खाना बना के हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है तो इसमें एग्स भी बॉईल कर सकते हैं और इसमें खाना आप स्टीम भी कर सकते हैं. तो इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ पे नीचे सोचिए दाल चावल डाल दिया और ऊपर वेजिटेबल्स डाल दिया, डाल के और ढक्कन तो यही है इधर ही है, ढक्कन लगा दिया
तो खाना एकदम यू नो अच्छे से कुक होके स्टीम होके रह जाएगा। खुद के तरफ से मैं एकदम सॉर्टेड करके लेके जा रही हूँ ताकि मुझे किसी चीज किसी से कुछ मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। लियाना ये क्या है, दो देखो तो बता दो क्या है। हाँ वकायदा, क्या चीज होता वो, इधर लगाते हैं क्या, दिखाओ लगा के इधर। चल हम लोग इसको पैकिंग कर ले। हाँ ठीक है। ये क्या था लियाना बताया, ये क्या है, क्या बोल रहा है, उबला हुआ अंडा मांग रहा है अंडा बोला उसने, जो भी बोला सही बोला होगा, लियाना कभी गलत बोल ही नहीं सकती। ओह माय गॉड, अभी इसको नीचे डालना पड़ेगा। मामा री मामा, अभी इसको प्रॉपरली पैक करने के लिए मुझे हेल्प की जरूरत है क्योंकि ये बंद ही नहीं हो रहा है। आपको दिखा के मोमिता कोई तो आओ इसको हेल्प करके इसको डाल लो। तो खाने का चीज जब सॉर्ट आउट हो जाता है, ये तो खाना बनाने वाली चीज, अभी जो खाना खाएंगे बच्चों के लिए मैं यूज करती हूँ गोविंद भोग चावल। ये जो चावल है एकदम छोटा छोटा चावल होता है और उसमें एक अलग खुशबू होती है, तो इसीलिए यू नो अलग से तेल मसाला तड़का मारने की जरूरत नहीं है। तो उसका जब मैं कोई भी चीज बनाती हूँ, खिचड़ी या बॉइल्ड राइस, यू नो वेज राइस एंड वेजिटेबल्स, उससे अपने आप ही एक खुशबू आती है। तो मैं दाल और चावल सेफ साइड के लिए ले लूंगी, वेजिटेबल्स होपफुली मुझे हर एक चीज मिल ही जाएगा फ्रेश फ्रेश, और दाल चावल भी मिल जाएगा बिकॉज यू नो मैं अलग चावल यूज करती हूँ जो कुक करने में भी कम टाइम लेता है, सो माइट एज वेल टेक दैट। तो ये जो डब्बे हैं इसमें एक में है दाल और एक में है चावल। ब्रेकफास्ट यूजुअली मैं देती हूँ यू नो चिया सीड पुडिंग, मैं पुडिंग बोलती हूँ क्योंकि कुछ डिश का नाम देना होना चाहिए ना, तो चिया सीड को भिगो के उसके साथ फ्रूट्स और दही मिला के रोज का ब्रेकफास्ट होता है। एंड यू नो वो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ और बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है तुम ही दिखा दो, बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्नैकिंग एंड लियाना लव्स स्नैकिंग ऑन मखाना, बोथ ऑफ देम लियाना एंड दिविशा। तो अभी स्नैकिंग देख के ही मतलब मखाना देख के लेके चले गए हैं भगवान, तो होपफुली थोड़े देर के बाद मैं उसके हाथों से मखाना को रेस्क्यू कर लूंगी और उसको पैक कर लूंगी। जाओ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट सिट डाउन, तुम भी बैठ जाओ बैठ जाओ, लो खाओ। अचानक क्या दिखाने लग गए, उनके लिए भी मुझे पैकिंग करना पड़ेगा, उनकी शुगर की दवाई सारी दवाइयाँ, यू नो सम लिटिल बच्चों के लिए जो भी हेल्थी हेल्थी चीजें ले रही हूँ वो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ ताकि पापा भी उसमें स्नैकिंग कर सके, यू नो घूमने जा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ को हम ऐसे खिड़की से गोली मार के निकाल दे। Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day, Happy Anniversary. Oh हाँ, Happy Anniversary. Happy Anniversary नहीं होता तो ये दोनों Valentine's कैसे आते? तो इस बार मैं Valentine's Day मुँह में मखाना लेके ऐसे नहीं हंसते। इस बार Anniversary में मैं इन लोगों के साथ मनाऊंगी। हाँ मुझे लगता है पहली Anniversary है जिसमें हम दोनों साथ में नहीं है। बहुत टाइम के बाद मुझे तो कभी ऐसा याद ही नहीं है कि एनिवर्सरी में हम दोनों साथ में नहीं है। अक्सर पहले ऐसा होता था कि अगर गुरु नहीं है आउट ऑफ स्टेशन है तो मैं वहाँ पे चली जाती थी, बट इस बार मुझे ऐसा लगा यू नो अपने बच्चों को छोड़ के मैं वहाँ पे चली जाऊंगी जहाँ पे गुरमीत शूट करेंगे, पूरा दिन तो वो शूट पे बिजी रहेंगे, तो मैं पूरा दिन क्या करूंगी होटल में बैठे बैठे, कि जब तक गुरु आते हैं तब तक सब कुछ बंद हो जाता है, तो तभी भी यू नो मतलब हम कहीं जा नहीं सकते कुछ भी नहीं, दिन भर शूट करके आने के बाद गुरु भी इतने थके रहते हैं
कि मतलब दो बात करते करते अगले दिन यू नो टाइम पे पहुंचने के लिए फटाफट सो जाते हैं नहा धोके. सो इट इज रियली नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू गो वेयर गुरु इज गोइंग टू शूट. और किसका शूट करे वो तो आप लोगों को थोड़े दिन में पता चल जाएगा. फिलहाल हम वापस आ जाते हैं पैकिंग में. और क्या लेंगे हम लोग खाने के? फ्रूट्स मैं बहुत सारा फ्रूट्स लेती हूँ क्योंकि लियाना दिविशा दोनों ही फ्रूट्स पसंद करते, पर होपफुली हमें कुछ फ्रूट्स तो मिल ही जाएगा. बट थोड़ा फ्रूट्स तो मैं लेके ही जाऊंगी. बट फ्रूट्स मैं कोशिश करूंगी कि हैंडबैग में लूँ बिकॉज वो रास्ते में भी काम आ जाएगा. सिर्फ वो सूटकेस के अंदर नहीं पैक करूंगी. खाने का और कुछ है जो मैं मिस कर रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं ना? रोटी तो उन लोगों को बोल दूंगी वो दे देंगे. थोड़ा सा घी ले लेती हूँ, प्योर देसी घी. कहाँ से जा रही है ये जिम्नास्टिक करते करते? लियाना दिविशा के दो ग्लासेस हैं, वो हम लेंगे बिकॉज रात को सोने से पहले या खाना खाते खाते इसी ग्लास में वो लोग पानी पीते हैं. मैंने ये आदत डाली है कि यू नो बॉटल से बीच बीच में पानी नहीं पी के जब खाना खाने बैठते तो ग्लास में पानी होता है. रात को जब दूध पीते तो ग्लास से पीते हैं, ऐसा मैंने सीखा है. तो मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ, एक बार बॉटल मिलता है ना तो बॉटल इज लाइक अ पैसिफायर. तो पैसिफाइंग इफेक्ट के लिए ज़्यादा काम आता है दैन द दूध. तो वो उस बॉटल के लिए क्रेविंग होती है बच्चों को ज़्यादा, तो बॉटल को मैंने कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया है. हाथ में मेरे काफ़ी सारे बुक्स हैं, बच्चे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करते, तो रास्ते के लिए भी कुछ ऐसे ही बुक्स हम हैंडबैग में ले लेंगे. ऑब्वियसली अलग होंगे, तो ये बुक्स चला गया. कपड़े, डायपर, ये सारी चीज़ें मैं फ़िलहाल नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स. कपड़े और डायपर, चेंजिंग मैट, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है. बट जो चीज़ मैं अलग करती हूँ, थोड़ा स्पेशल करती हूँ, उसके बारे में मैं बता रही हूँ. ये एक बुक है जो टकी पिलो का भी काम करता है. यू नो गाड़ी में अगर नींद आए या ऐसा कुछ तो ऐसे करके सो सकते हैं. और इसको खोल के यू नो दिस इज अ बेड टाइम बुक भी बन जाता है. ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिला. और ये बुक में दुनिया का सब कुछ है, यू नो बॉडी पार्ट्स, शेप्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, कलर्स, इंसेक्ट्स, ये मेरे बहुत काम आता है. ये तो मैं लूँगी ही. घड़ी भी है. और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग जो मैंने अभी हाल ही में खरीदा वो मैं दिखाती हूँ, इज दिस वन. तो देखिए कितना क्यूट ना, इट लुक्स लाइक अ कैंडी, पर ये है 40, यू नो इट्स अ पोर्टेबल कमोड बच्चों वाला. तो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि यू नो बहुत छोटे से बैग में चला जाता है, हैंड बैग में ही जाएगा. एक्चुअली मुझे इसकी ज़रूरत इसीलिए लगा, वैसे तो जो बच्चों का पॉटी होता है वो आप लेके घूम सकते हो, बट और एक होता है यू नो कमोड का कवर, वो भी मैं दिखाती हूँ. एक ये भी होता है, इसको एक्चुअली आप नॉर्मल जो बड़ों का जो कमोड है उसके ऊपर आप ऐसे रख सकते हैं, इस पे बच्चे बैठ सकते हैं. सो दिस इज डेफिनेटली यूजफुल था और इसी से हम लोग अभी तक मतलब ट्रैवल के टाइम यूज़ कर रहे थे. बट मुझे ऐसा दो चीज़ें महसूस हुई जब हम ट्रैवल करते हैं होटल्स में या ऐसा कुछ. बाथरूम एक होता है, उसमें हम भी बैठते हैं, बच्चे भी बैठते हैं, तो मुझे वो थोड़ा बच्चों के हिसाब से हाइजीन थोड़ा सा कम लगा. मैं घर चेंज कर लिया क्योंकि यू नो उस पुराने वाले घर में बच्चों के लिए बाथरूम नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग में कैसे चल रहा था ये चीज़. तो इसीलिए मैंने ये लिया है. एक तो इट इज़ ईजी टू कैरी, बिल्कुल जितना जगह लगता है इसको कैरी करने में. ऑब्वियसली इससे थोड़ा ज़्यादा जगह लगता है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी पोर्टेबल. और इसको लेने का दूसरा कारण ये है कि कभी कभी हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं या मॉल में गए हैं, तो उस टाइम पे बच्चों को पॉटी लग जाती है. कहीं पे भी गए, किसी के बर्थडे पे गए, पॉटी लग जाता है, तो तब मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि बाथरूम में लेके चले जाओ, बिकॉज ऑब्वियसली एकदम पब्लिक टॉयलेट में जाके नहीं बैठ सकते बच्चे अभी, बिकॉज दे आर टू स्मॉल. और ये जो बोलना कि नो डायपर में ही पॉटी कर लो, दिस काइंड ऑफ गोज अगेंस्ट देयर लर्निंग. एक तरफ हम सिखा रहे कि पॉटी आए तो बताना, हम तुरंत तुमको पॉटी में बिठाएंगे, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि बच्चा अभी तुम डायपर में कर लो क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है लेके जाने के लिए. एकांत कोई जगह बिल्कुल नहीं है तो ऑब्वियसली मैं ऐसे बोलूंगी, लेकिन मैंने ये खरीद लिया है कि अगर गाड़ी में हो या मॉल में हो या कहीं पे भी बर्थडे पार्टी में बच्चे को पॉटी लग गई, तो आई हैव माई पोर्टेबल पॉटी, इसको लेके जाके बाथरूम में उसको बिठा सकते या फिर हम कार में भी बिठा सकते. ऐसे मैंने एड्स देखे थे तो मैंने इसको भी खरीद लिया. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट बाइज. माँ बनने के बाद लाइफ कितना बदल जाता है ना. माँ बनने से पहले आपके बेस्ट बाइज होते हैं आपकी ज्वेलरीज, आपकी ड्रेसेस, साड़ीज, समथिंग लाइक दैट. अभी एक पॉटी हो गया है आपका बेस्ट बाय. तो ये जो जगह है
यहाँ पे डिस्पोजेबल पेपर भी है, ये खुल के ये ऊंचा होके बन जाता है 14।